शाहरुख खान की फिल्म पठान ने KGF 2, बाहुबली और दंगल को भी पीछे छोड़ दिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस में बिजनेस के एतबार से आमिर खान की दंगल को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक यशराज फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म पठान ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म जीरो में नाकामी का सामना करने वाले शाहरुख खान ने फिल्म पठान से शानदार कमबैक किया है। शाहरुख खान ने फिल्म पठान के जरिए एक नए जलवे और आहंग के साथ एंट्री दी। दीपिका पादुकोण की अदाकारी और रक्स ने भी फिल्म को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया। फिल्म पठान की 8,000 से ज्यादा सिनेमा घरों में भयावह नुमाइश जारी है और इस फिल्म ने सिर्फ भारत में नुमाइश के 7वें रोज 22 करोड़ का बिजनेस करके मजमूई तौर पर 300 करोड़ का बिजनेस समेट लिया। इसके साथ ही फिल्म पठान ने एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बिजनेस करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दंगल, KGF 2, बाहुबली, टाइगर जिंदा है और संजू ने यह संगे मील 10 से 16 दिनों में हासिल किया था। बॉक्स ऑफिस के मुताबिक बैनुल अक्वामी तौर पर भी फिल्म पठान ने बिजनेस के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सऊदी अरब में $1 मिलियन और नॉर्थ अमेरिका में $10 मिलियन के संगे मील के साथ बैरूने मुल्क बिजनेस $28.75 मिलियन रहा। अगर फिल्म पठान के मजमूई बिजनेस की बात की जाए तो मुल्क और बैरूने मुल्क से मजमूई तौर पर 634 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। ऐसी ही डेली बॉलीवुड अपडेट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।